मिलिए आदित्य से, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसे ये सक्सेस अब खोखली सी लगने लगी है। काफी दिनों से एक कमी सी महसूस होने लगी थी जो शायद एक लाइफ पार्टनर से ही पूरी हो सकती थी। वैसे आदि कभी शादीशुदा था, ऐसी शादी जो अक्सर लोग जोश में बिना सोचे समझे कर तो लेते हैं, लेकिन उस शादी की जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। ऐसा ही कुछ आदि के साथ भी हुआ था। 2 दिनों में प्यार, 4 में शादी और 6 दिनों में वो सब कुछ दिखने लगा जो पहले नहीं दिखा। सुबह सुबह एक साथ ऑफिस जाना, एक साथ वापस आना शुरू में बहुत रोमांटिक लगा, लेकिन धीरे धीरे बोर होने लगे एक दूसरे से। एक दूसरे की कमियां नजर आने लगी, इतनी कि एक बदलाव की आस में आदि ने एक नया जॉब, एक नया रिश्ता भी कायम कर लिया और शादी की। उस प्यार की खोज में आदि कई रिश्ते बनाता और कई तोड़ता गया और फिर हार कर एक दिन मैट्रिमोनियल साइट का सहारा ले लिया, इस ख्वाहिश में कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जैसा उसे चाहिए। Sorry sir, पर यहाँ स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। Oh sorry, मुझे नहीं पता था। That's okay. क्या ऑर्डर करना चाहेंगे सर? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, बाद में। Okay sir, I'll come back later. और मिलिए अनुष्का से, जिसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। शादी भी की तो ऐसी जो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में होती है, लेकिन जब निभानी पड़ी तो उस रिश्ते को संभालने की समझ और जिम्मेदारी नहीं उठा पाई और रिश्ता टूट गया। अकेलापन मिटाने के लिए दूसरों से दोस्ती तो की, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना पाती। और फिर इसी खोज में एक दिन अनु की नजरें आदि के इश्तेहार पर पड़ी। दोनों ने कई बार टेलीफोन पर बात की, एक दूसरे से अपनी निजी जिंदगी के कई पहलू शेयर किए और ये बातचीत का सिलसिला उस मकाम पे पहुंच गया जहां दोनों एक दूसरे से मिलने का इरादा कर बैठे, और नतीजा आज की ये मुलाकात। हाय हाय, सॉरी पार्किंग नहीं मिल रही थी। बहुत देर से बैठे हो? नहीं, तुम्हें जब मैसेज किया बस तभी से। ऑफिस से आ रही हो? हाँ, सीधे ऑफिस से ही आ रही हूँ। Looking fresh and nice. Thanks. Actually, पास ही में मेरा ऑफिस है, इसलिए यहीं बुला लिया मिलने के लिए। ना, that's fine. मुझे भी यहाँ नज़दीक में एक क्लाइंट से मिलना था, तो doesn't matter. काफी कम लोग हैं यहाँ पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, ठीक से बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से लंच आवर में फुल हो जाता होगा। हाँ शायद। हेलो मैम। हाय हाय, क्या लोगी? लेमोनेड प्लीज, नो आइस। ब्रेकफास्ट किया तुमने? हाँ, और तुमने? हाँ सुबह एक सैंडविच खा लिया था, टाइम ही कहाँ मिलता है, वर्क इज सो हेक्टिक। आई विल हैव अ ब्लैक कॉफी विद शुगर। श्योर सर। अच्छा तुम अच्छा पहले तुम नहीं, तुम बोलो। नहीं पहले तुम। ओके, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं बोलो। ओके, बाल गिर रहे हैं तुम्हारे। सॉरी। साइन ऑफ मैच्योरिटी, यू नो। मैच्योरिटी, यार राइट।
वो तो तुम्हारा ऐड देखते ही समझ गई थी। क्या कहा था तुमने उस ऐड में? हाँ, खुद की गलतियों की वजह से। ऐसे ऐड देने से कोई आता है क्या? तुम आई ना। वैसे तुमने सही कहा, अपनी गलतियां मानने के लिए मैच्योरिटी तो चाहिए। कितनी स्ट्रेंज होती ना ये लव मैरिजेस। आई मीन शुरू शुरू में तो कितने रिबेलियस होते हैं, सारी दुनिया से लड़ पड़ते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन बाद में सिर्फ एक ही सवाल आता है, व्हाई? आई मीन क्यों किया ये सब, किसके लिए? शादी के बाद तो योर प्रायोरिटीज चेंज, यू स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, लेकिन शायद सब अच्छे के लिए ही हुआ। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि शादी की अहमियत समझने के लिए डिवोर्स से गुजरना पड़ा। हाँ, लेकिन मुझे दर्द से गुजर के खुशियों का मोल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। क्यों? डिवोर्स के बारे में सिर्फ सुना था, सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद की जिंदगी में उस अकेलेपन में बहुत बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन नो वन इज वर्थ इट। योर लेमोनेड मैम। थैंक यू। योर ब्लैक कॉफी सर। थैंक यू। एंजॉय योर ड्रिंक्स। अच्छा, मैंने तो बहुत बोल लिया, अब तुम ही कुछ बता दो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? सच पूछो तो पहले मुझे बहुत सुकून था, 2-3 साल खूब मौज मस्ती की, कभी डंप किया तो कभी डंप हुआ, वैसे ज्यादा डंप ही हुआ। तो तुम कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुए? नो, नॉट रियली, मैं कोई कमिटमेंट चाहता ही नहीं था, और जब सीरियस होना चाहा तो कोई मिली नहीं। क्यों? इट्स नॉट दैट इजी हनु, वो कंफर्ट जोन जो दो लोगों के बीच में होता ना, उसके लिए बहुत टाइम और कमिटमेंट चाहिए, जो ना मेरे पास था, और अगर था तो वो लड़की सही नहीं थी। वो कहते हैं ना, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। Tell me about it. अच्छा, तुम बताओ, तुमने क्या किया? After separation, कोई खास? हाँ, एक, actually दो। और क्या? Divorce के बाद नौकरी छोड़ दी। पहले 1-2 साल तो बहुत डिप्रेस रही, किसी से कोई बातचीत नहीं, कहीं आना जाना नहीं। रिलेशनशिप के बारे में तो फिर धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होने लग गई, एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली, नए लोग, नए दोस्त। कंपनी में ही एक कुलीग था, अच्छा था, सो वी स्टार्टेड गोइंग आउट। फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं दोबारा वही गलतियां कर रही थी, यू नो, ट्राइंग टू हार्ड टू मेक इट वर्क। रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही समझौते करने लग गई थी, जैसे पहले करती थी, उसकी हर कमी को नजरअंदाज कर रही थी, जो आगे चलकर मुझे बहुत इरिटेट करती। कैसी कमियां? मैं भी तो सुनूं, एक एग्जांपल ही दे दो। एग्जांपल जैसे कि उसका हर बात में अपना एक ओपिनियन होता था। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त उसको किसी और पे थोप देना, ये कहां की बात हुई? और फिर ये कह देना कि यही सही है मेरे लिए। यू नो, ही ट्रीटेड मी लाइक एन इडियट, एज इफ मुझे कुछ मालूम ही नहीं। यू नो, शुरू शुरू में ये सब बातें बहुत रोमांटिक लगती हैं, लेकिन आगे चलकर यही बातें हमें पिंच करती हैं। आधी छोटी सी बात है, लेकिन आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाती हैं
कि या तो एक जना दब जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है, या तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते, है ना? खुद से बहुत दूर होती जा रही थी, सो एक दिन जस्ट वॉक्ड अवे. कॉम्प्रोमाइज फिर से नहीं. ओह बाय द वे, एक महीने बाद उसकी शादी भी हो गई. बेचारी लड़की. दैट वाज क्विक. अच्छा और दूसरा? दूसरा क्या? तुमने तो कहा ना कि दो रिलेशनशिप थे. अच्छा वो, हे भगवान पूछो मत. साइको था, साइको. यू नो एक बार क्या उसके साथ मैं डिनर पे चली गई, मैं तो जैसे उसकी प्रॉपर्टी हो गई. इतना पोजेसिव, दिन में 50 दफा फोन करता था, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या पहना है, कब वापस आऊंगी, घर के चार चक्कर लगाता था. उफ, मैं तो जान छुड़ा के भागी. तो फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की उसने? हाँ तो करता है ना, अब भी कॉल्स और एसएमएस आते हैं, मैं तो लेती ही नहीं, सोच रही नंबर ही चेंज कर दूं. गुड फॉर यू. तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ और ये सब बातें जो तुम कहती हो, इट्स रियली ब्रेव ऑफ यू. अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना, इतने बोल्ड स्टेप्स लेना, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो या दोस्तों के लिए, आसान नहीं होता है. दैट टू विदाउट एनी सपोर्ट, इट्स रियली कमेंडेबल. तो अब मैंने तो तय कर लिया था कि दोबारा शादी नहीं करूंगी. क्यों, इतनी बुरी शादी थी या इतना बुरा था वो? नहीं नहीं, अच्छे मोमेंट्स थे, लेकिन वी वर यंग एंड रेकलेस. उसका अफेयर हो गया, मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कोई तो वजह होगी, शायद कहीं गलती मेरी भी रही होगी, बस चली आई उसे छोड़ के. यू नो हम दोनों एक डिवोर्स से गुजरे हैं, इतने दिनों से फोन पे बात भी कर रहे हैं और आज यहां मिल भी रहे हैं. तुम्हारी ये सब बातों से एक एहसास सा हो रहा कि एक रिलेशनशिप में दो लोगों की सोच कितनी भी अलग क्यों ना हो, सुकून से एक साथ रह सकते हैं. बस थोड़ी सी समझ और सब्र हो तो. और कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? या आई हैव अ चीज केक, ब्लूबेरी चीज केक. श्योर सर. तुम कुछ लोगी? श्योर. ओके ओके, थैंक यू. एक बात बताओ, अब जब पुरानी बातें सोचती हो तो कोई रिग्रेट महसूस होता है? हाँ जब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद दोनों को थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी टू मेक इट वर्क, है ना? और फिर जिंदगी अकेले तो कट नहीं सकती. कट तो सकती है, लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस है जो शायद तुम्हारी नहीं. और तुम्हारी? मेरी भी नहीं. वैसे तुम ठीक कह रहे थे आदि, इट्स नॉट सो इजी कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बेशर्त प्यार कर सके. यू मीन समवन यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली? तो अब यहां मुझसे मिलने के बाद तुमने योर चीज केक सर? थैंक यू. शेयर करना चाहोगी? नो थैंक्स. श्योर? ओके. नॉट बैड.
क्यों? तुम्हें तो नहीं खाना था ना? मुझे ब्लूबेरीज अच्छी लगती हैं। देर हो रही है, बिल मंगाओ। बिल प्लीज। श्योर सर। तो क्या सोचा है मेरे हमारे बारे में? लव मैरिज करके तो देख ली है, अब लेट्स सी। चले? अरे पे तो करने दो, फ्री थोड़ी। सॉरी भूल गई। थैंक यू। थैंक यू सर। चले? थैंक्स फॉर द लेमोनेड। मेरी गाड़ी। तुम चलो। बाय। तुम कुछ भूल आई मेरे पास? I'm sorry। बहुत मिस किया तुम्हें। Thank you.